हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो मैं हूं सूरज सर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आपको समझना जरूरी है। जैसे कि आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा है, रैशनलाइजेशन याद होगा आप लोगों को। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग कि डिनोमिनेटर को सिंपल बनाने के लिए सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कुछ रैशनलाइजेशन का एग्जांपल पहले ले लें। अगर कोई कह रहा है कि 3/√2 को रैशनलाइज करो, तो रैशनलाइज करने के लिए हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आंसर हमारा हो जाए 3√2/2। यानी हमारा डिनोमिनेटर में कोई अजीब सा फ्रैक्शन ना रहे, डिनोमिनेटर हम लोगों का सुंदर सा अच्छा सा आंसर दे, इसके लिए हम लोग रैशनलाइजेशन का प्रयोग कर रहे थे। इसके अलावा 1/2+√3, अगर कोई कहता है इसको रैशनलाइज करो, पता होगा सबको रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नीचे में जो भी वैल्यू है इसका जस्ट साइन चेंज करके, यानी नीचे में अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2-√3 से ऊपर भी और 2-√3 से नीचे भी, यानी ऊपर नीचे सेम नंबर से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर में क्या हो गया, 2-√3/a+b (a-b) क्या होता है, a²-b²। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 2-√3 और नीचे में 1 बच रहा है, तो 1 तो वैसे भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन को हम लोग सिंपल बनाने के लिए, डिनोमिनेटर को सही करने के लिए रैशनलाइजेशन का यूज कर रहे थे। तो ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है हम लोग का। उसके अलावा ये जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ऑपरेशन है, जो कि जरूरी है। कई बार आपको क्वेश्चन को बनाने में इसका यूज पड़ेगा और बड़े बड़े क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बना देने में हेल्प करता ही हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या है जरा इसका मतलब समझिएगा। इफ x/y = a/b, यानी अगर दो फ्रैक्शन है आपके सामने x/y और a/b, दो फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है और दोनों ही फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल है, x/y = a/b, तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं x+y / x-y, यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जो काम आपने लेफ्ट साइड में किया है वही काम आपको राइट साइड में भी करना होगा। तो यानी राइट साइड में भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यानी a+b / a-b, आप इस ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं अपने गिवन क्वेश्चन में। या इसके अलावा आप दूसरा चीज, यानी कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर को भी ऊपर रख सकते हैं, यानी x-y / x+y = a-b / a+b, यानी अगर ये चीज गिवन है तो इसको इसका यूज करके हम ये चीज भी लिख सकते हैं, और ये चीज अगर गिवन है तो इसका यूज करके हम ये चीज भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे क्वेश्चन को इजी कर देता है, स्पेशली जब आप ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को बनाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा ट्रिगोनोमेट्री में जो बहुत ही लेंदी होगा, लेकिन कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देने से क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बन जाएगा। तो क्लियर है, अगले वाले क्लास में मैं आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से रिलेटेड कुछ और दूसरे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करके बताऊंगा। और ये तरीका, ये ऑपरेशन अगर आपको नहीं पता था तो इसको समझ लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या इसके आगे का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जानना है। अगर जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। थैंक यू।